अभी तो बीजेपी ये भी कह रही है जहां झुकी वही मकान, तो फिर कैसे निपटेंगे इन लोगों से? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए है। वोट देंगे, दारू देंगे, पैसा ले देंगे, वोट लेंगे, फिर 5 साल तक फिर पीछे पहुंचा देंगे लोगों को। इनका यही है, जागरूक हो जाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जागरूक हो जाओ, कुछ नहीं है, फिर पहुंच जाओगे पीछे 5 साल। केजरीवाल जी कह रहे हैं कूड़े का ढेर हटवाएंगे। कूड़े का ढेर कुछ नहीं हटाना है, उसने पहले भी कितने वादे किए हैं, 20 करोड़ जो लोगों से इकट्ठा किया उसने, बस में फ्री में बांट दिया, बिजली पानी में बांट दिया। वो बिजली पानी जो बोल रहे हैं ना, पानी भी एक घंटे तक गंदा पानी आता है, आप सब जानते हो, वो पागल बना रहा है लोगों को। अच्छा अमित जी, आपके यहाँ पर बिल जो है वो कैसे आ रहे हैं? सर बिल तो वही आ रहे हैं, लेकिन पागल बनाया जा रहा है लोगों को। चार मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया, और इसमें वार्ड नंबर 8 में हूँ। मुकुंदपुर गांव है ये। दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन है, लगातार अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी उतर रहे हैं, अपना अपना दमखम दिखा रहे हैं और बहुत सारे वादों का पिटारा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के तमाम कैंडिडेट तमाम वार्डों पर उतरे हुए हैं। ऐसे में एक वार्ड है वार्ड नंबर 8 जो कि मुकुंदपुर गाँव के अंडर आता है, और यहाँ के प्रत्याशी अमित कुमार जी हैं बहुजन समाज पार्टी से। बात करेंगे आखिर उनके पास ऐसा क्या है जो जनता उन्हें वोट देगी और वो जीत कर जनता के बीच में जाएंगे और उनके दुख दर्द दूर करेंगे। अमित जी आप कहाँ, थोड़ा सा बताएं अपने बाढ़ के बारे में। सर मेरा नाम अमित कुमार है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मुकुंदपुर गांव का। वार्ड नंबर 8 से मैं प्रत्याशी हूँ, BSP पार्टी से मुझे टिकट मिला है। तो सर मुझसे ज़्यादा तो कोई यहाँ पे जानता नहीं होगा, जो प्रत्याशी जितने खड़े हुए हैं मुझसे ज़्यादा, क्योंकि बगल में मेरा स्कूल है, उसके बगल में मेरा घर है, तो स्कूल के अंदर इतनी बदतर हालत है बस बता ही नहीं सकते, और मुझसे ज़्यादा कोई जानता भी नहीं होगा जितने प्रत्याशी हैं। स्कूलों के अंदर इतनी गंदगियाँ रहती है और टंकी के अंदर महीने महीने साल साल हो जाते हैं, उनमें सफाई नहीं होती और उसके कारण उनमें कीड़े हो जाते हैं और बच्चे पानी पीते बीमार होते हैं। एक एक क्लास के अंदर 50-50, 60-60 बच्चे हैं, क्या पढ़ाई कराएंगे? क्या उम्मीद लेकर आप इस बार जो है इलेक्शन में आप उतरे हैं, क्या करने वाले हैं ऐसा कुछ? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां हैं, BJP है वो 15 साल से निगम में काबिज है, आम आदमी पार्टी अब आ रही है कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है तो निगम में भी केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए, और उधर कांग्रेस अपना जोर लगा रही है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी कितना सर्वाइव कर पाएगी इन तमाम बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने? सर जैसे कि हम कैंपेन कर रहे हैं अपने वार्ड नंबर 8 में पूरे में, तो यही रिस्पांस मिल रहा है कि पहले भी जो पार्षद आए उससे पहले भी जो आए किसी ने कुछ नहीं किया, वहीं रुका हुआ है काम सारा। गलियों की इतनी बदतर हालत है, बहुत बुरी, बस कह नहीं सकते आप। तो सर हम इनको सबसे पहले 10 दिन के अंदर ही सारी जितनी नालियाँ हैं उनको साफ़ करवाएंगे, उनके अंदर इतना पानी खस्ता भरा हुआ है कि रोड पे पानी इतना आ जाता है बस इतने घुटनों तक। अभी जैसे हम कैंपेन करी थी उन्होंने बताया हमें कि भैया इतना बुरा हाल है, हम तो किसी को वोट नहीं देंगे, हम एक नया चेहरा देखना चाहते हैं पब्लिक में, आप युवा भी हो, एजुकेटेड भी हो, तो हम नया बंदा देखना चाहते हैं, हमें विकास तो मतलब पब्लिक की तरफ से ये रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको, तो अभी क्या प्लानिंग रहेगी? अच्छा बेसिकली एक बड़ा सवाल ये होता है कि बाढ़ के अंदर समस्याएं, सबसे पहली समस्या तो नाली मोड़ी की है, उसके अलावा और क्या समस्या आपके बाढ़ में? सर बाढ़ के अंदर हमारे निगम पार्षद जितने भी आए उन्होंने धोखे में रखा और ना किसी ने बताया कि अपने MCD के अंदर भी लोन का भी प्रोत्साहन होता है, प्रावधान है सर, तो सर उससे भी हम लोगों को जागरूक करेंगे और उनका काम कराएंगे। मैंने कई लोगों से सुना है अमित कुमार जी बोल रहे हैं अगर वो पार्षद बन जाएंगे तो वो फ्री में ट्यूशन वाला कुछ मुझे कोई बता रहा था यहाँ पर, तो सर जब मैं सर्वे कर रहा था, मैं आपसे नहीं मिला लेकिन मैं जब सर्वे कर रहा था आपके वार्ड का
तो लोग मुझे बता रहे थे कि अमित कुमार जी बोल रहे हैं कि हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्यूशन देंगे, डिजिटल ट्यूशन देंगे, ऐसा कुछ बता रहे थे। सर आपने सही सुना है वो जी। हमारा प्लान ये है निगम पार्षद के जो स्कूल, निगम के जो स्कूल होते हैं उनके अंदर बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वो छोटे दर्जे के हम लोग हैं तो ट्यूशन प्रोवाइड नहीं करा पाते, तो उसके लिए ना फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्यूशन चलाएंगे। हमारे कुछ टीचर्स हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, उनका हमने टीम बना रखी है, तो पहले से हमने सब कुछ सोच रखा है, 10 दिन के अंदर ही हम उनका ट्यूशन चालू कर देंगे। सर और क्या क्या मुद्दों को लेकर आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं? सर मुद्दे यही है, सबसे पहला तो हमारा एजुकेशन को ऊपर लेके आने का है, उसके बाद में नाली गली इतना बुरा बदतर हाल है, सब काम रुके पड़े हैं, सबसे पहले उनका भी। कोरोना के काल में कोई सामने निगम पार्षद नहीं आया, सब अपने घर के अंदर घुसे हुए थे, जबकि बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना था ना, कि पब्लिक ने जिताया उनको तो उनके दुख दर्द बांटने थे ना, लेकिन कोई नहीं आया। लेकिन अगर ऐसी कोई भविष्य में कुछ ऐसी समस्या आती है तो मैं हमेशा एक वोट के उससे उनको पूरा साथ दूंगा और हमेशा उनके हारी बीमारी हर चीज़ में खड़ा पाऊंगा जी। तो क्या तमाम लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? तो हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि इतने लोग जो टिकट लेके आपके सामने आ रहे करोड़ों करोड़ों के, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? करोड़ देकर आ रहा था, करोड़ खींचेगा भी? बिल्कुल सर, वो उससे उम्मीद ही रखना खराब है ना, मोटे लोग हैं वो, जागरूक हो जाओ, एजुकेशन बढ़ाओ, एक बार अपने छोटे भाई अपने बच्चे को एक बार मौका दीजिए। बहुत प्लान हमने सोच रखे, हमारी टीम ने काम चालू है, बस आपका आशीर्वाद की वोट के रूप में मुझे ज़रूरत है, प्लीज़। क्या वही विकास आप करने वाले हैं जो मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में किया था आपने जब वो मुख्यमंत्री थी? सर उन तक तो मैं पहुंच नहीं सकता, लेकिन मेरे छोटे छोटे से अगर मुझे साहस मिलता है तो मैं बहुत कुछ सोच रखा है। मायावती जी को मैं फॉलो करता हूँ और उन्हीं के उस पर रास्ते पर चलता हूँ। तो देखिए वार्ड नंबर 8 से अमित कुमार जी हैं और रात हो चुकी है इस समय और ये पदयात्रा कर रहे थे और मैं भी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा था कि मैं भी जानने की कोशिश कर रहा था लोगों से कि आखिर वार्ड नंबर 8 में क्या चल रहा है। तो अमित जी मुझे मिले तो मैंने इनसे बात करना सोचा, मैंने बात करके देखते हैं आखिर BSP के कैंडिडेट इस बार क्या सोचकर उतर रहे हैं जनता के सामने। तो अभी तो BJP ये भी कह रही है जहां झुग्गी वही मकान, तो फिर कैसे निपटेंगे इन लोगों से? सर ऐसा कुछ नहीं है, ये बस लोगों को अट्रैक्टिव करने के लिए है, वोट देंगे, दारू देंगे, पैसा ले देंगे, वोट लेंगे, फिर 5 साल तक फिर पीछे पहुंचा देंगे लोगों को। इनका यही है, जागरूक हो जाओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, जागरूक हो जाओ, कुछ नहीं है, फिर पहुंच जाओगे पीछे 5 साल। केजरीवाल जी कह रहे हैं कूड़े का ढेर हटवाएंगे। कूड़े का ढेर कुछ नहीं हटाना है, उसने पहले भी कितने वादे किए हैं, 20 करोड़ जो लोगों से इकट्ठा किया उसने, बस में फ्री में बांट दिया, बिजली पानी में बांट दिया, वो बिजली पानी जो बोल रहे हैं ना, पानी भी 1 घंटे तक गंदा पानी आता है, आप सब जानते हो, वो पागल बना रहा है लोगों को। अच्छा अमित जी, आपके यहाँ पर बिल जो है वो कैसे आ रहे हैं? सर बिल तो वही आ रहे हैं, लेकिन पागल बनाया जा रहा है लोगों को, लेकिन लोग जागरूक हो गए हैं, समझने लगे हैं, अब नहीं आने के किसी के झांसे में। तो देखिए आने, अब कोई आने वाला नहीं है झांसे में, ये तो वक्त बताएगा कि कौन चुना जाता है और कौन वार्ड नंबर 8 का पार्षद बनेगा, आने वाला वक्त बताएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जस्टिस TV इंडिया।